हेलो एवरीवन, नमस्ते। राजीव तावड़े चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी इस वीडियो में कुछ टेक्निकल जानकारी मैं शेयर करने वाला हूँ। अपना जो हार्ड डिस्क रहता है ना, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जिसमें हम डेटा, एक्स्ट्रा जो डेटा रहता है वो स्टोर करते हैं, या अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जो रहता है उसमें अपना जो डेटा रहता है उसका एक बैकअप, यानी कि कुछ मेन कंप्यूटर या लैपटॉप को कुछ मतलब हानि हो गई, तो उसके लिए अपना डेटा दूसरी जगह पे, सेफ जगह पे रखते हो, तो उसको अपन बोलते हैं कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो ये ऐसी होती है वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। लेकिन ये जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है ना, ये विंडोज़ पे तो आराम से चल जाती है, यानी कि विंडोज़ का डिवाइस यानी कि लैपटॉप रहता है या कंप्यूटर रहता है उधर होता है। लेकिन क्या होता है कि हम जब भी एंड्रॉयड के डिवाइस को, यानी कि ये देखिए ये अभी एंड्रॉयड का डिवाइस है, तो इसको जब भी कनेक्ट किया है तो तभी ना प्रॉब्लम होती है। तो तभी है ना, अभी तो दिखेगा आपको, ये देखिए मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, तो USB स्टोरेज 1 करके दिखा रहा है, तो 1 TB की ये हार्ड डिस्क है वो पूरी की पूरी खाली है, तो वो तो अपने को दिख रही है यहाँ पर। लेकिन पहले 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 ये नहीं हो रहा था, कम से कम 15 से 20 महीने तक मैं इस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा था, लेकिन मेरे दोस्त ने फिर बाद में अभी मुझे बताया। और क्या हो रहा था कि डेटा स्टोरेज के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। लंबे टूर पर जब भी जाता हूँ तो तभी बहुत सारा वीडियो कंटेंट शूट करके रहता है, और वो फ़ोन में से मुझे एक ऐसे डिवाइस पे निकाल के रखना है जो मैं कहीं भी, किधर भी, कैसे भी मैं एक्सेस करूँ। यानी कि हैवी मुझे लैपटॉप कैरी करने की गरज नहीं है। लैपटॉप अगर मैं कैरी करूँ तो टूर पर इतना सारा वज़न, उसका भी चार्जर रहेगा, वो सब संभालना, लैपटॉप की इतनी बड़ी वो स्क्रीन रहती है तो उसको भी कुछ हानि नहीं होनी चाहिए, और लैपटॉप ओपन किए बिना कुछ काम भी नहीं कर सकते। तो मेरा जो फ़ोन जो है सैमसंग S22 Ultra, जो एक हाई एंड डिवाइस है सैमसंग की, मतलब एकदम ब्रांडेड अच्छा फ़ोन है, तो उसमें तो बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है और बहुत सारी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि मैं अगर डेटा जो है वो अगर मैं समझिए मैं लैपटॉप में स्टोर करता हूँ, तो मेरे जो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो होते हैं एंड्रॉयड बेस्ड, यानी कि फ़ोन में वापर सकता हूँ, लेकिन जो लैपटॉप में है वो विंडोज़ है। विंडोज़ में वो मैं डेटा नहीं प्रोसेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे सॉफ्टवेयर नहीं है जो विंडोज़ कॉम्पैटिबल मतलब एडिटिंग के लिए है। और एक फ़ायदा ये होता है मुझे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क फ़ोन को ही कनेक्ट करके वापरने के लिए, कि मैं डेटा कहीं पे भी बैठ के, कहीं पर भी मैं फ़ोन को कनेक्ट करके मैं प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, उसका एडिटिंग कर सकता हूँ, और कोई भी फाइल्स में फ़ोन से हार्ड डिस्क में, या हार्ड डिस्क में से मैं फ़ोन में मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सॉल्यूशन मेरे दोस्त ने बताया। कुछ फॉर्मेटिंग करना होता है, यानी कि इरेज करना होता है पूरा डेटा हार्ड डिस्क में से, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में से। तो उसके पहले जस्ट एक कॉशन बोलता हूँ कि अगर आपने भी ऐसा किया तो पहले अपने हार्ड डिस्क का जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है उसका डेटा जो है उसकी पहले एक कॉपी दूसरे कंप्यूटर में या लैपटॉप में किधर तो रखें, और उसके बाद में ही वो फॉर्मेट करें। तो उसके पहले मैं बताता हूँ कि आई थी तो मुझे किसी ने कि कितने बहुत सारे दुकानों में मैं घूम चुका हूँ गए 15-20 सालों में, 15-20 महीनों में, और मुझे कितने लोगों ने कुछ अजीब अजीब जवाब दिए। किसी ने बोला मेरा हार्ड डिस्क ही ख़राब है, कि एंड्रॉयड को वो एंड्रॉयड के फ़ोन से रीड नहीं हो रहा है। किसी ने बोला ये जो केबल है यही ख़राब हो चुका है। किसी ने बोला ये जो कनेक्टर है ना, OTG कनेक्टर, जिसको एक साइड पे पोर्ट सी कनेक्शन और एक साइड पे USB कनेक्टर होता है, और वो पोर्ट यही ख़राब हो गया है। तो किसी ने मुझे कहा कि नहीं नहीं ये कुछ वापर ही नहीं सकते हैं, एंड्रॉयड का सिस्टम को हार्ड डिस्क कनेक्ट करके वापर ही नहीं सकते हैं। तो किसी ने मुझे बोला कि ये क्यों वापरता है, ये तो वापरने का ही नहीं, पेन ड्राइव कनेक्ट करो और इसको वापरो। तो इतना 1 TB तक का मेरे पास अगर स्टोरेज कैपेसिटी है, और वो मैं अगर घर पे ऐसे ही रख दूँ, और मैं अगर ऑन द मूव किधर भी हूँ, यानी कि किधर भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तभी मैं वापर नहीं सकता हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसका मुझे कैसे भी करके उपाय मुझे ढूंढना ही था, और आप सबके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त ने बोला कि ये सब ऐसा कुछ, ये गड़बड़िया कुछ नहीं है, और मुझे भी पता था क्योंकि लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ तभी ये हार्ड डिस्क पे एकदम अच्छे से कनेक्ट होती है। तो ये जो हार्ड डिस्क है ना उसका फॉर्मेटिंग करना है, तो फॉर्मेट कैसे करना है, उसको फैट फॉर्मेट, FAT32 करके फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेटिंग करते समय उधर वो ऑप्शन रहता है अपने को कंप्यूटर को कनेक्ट करके डेटा अपना पूरा दूसरी जगह पे इसका सेव करके लेके, फिर उसके बाद में इसको फॉर्मेट के लिए लैपटॉप को या कंप्यूटर को कनेक्ट करके उसको FAT, कैपिटल F कैपिटल A कैपिटल T, FAT32 अन्यथा FAT64 अन्यथा EX छोटा E छोटा X और कैपिटल में FAT फैट,
एक्स फैट, तो ये तीन में से कौन से भी वो आपको मतलब ऐसे दिख सकती है ऑप्शंस, आइदर फैट 32 या फैट 64 या एक्स फैट। तो ये तीनों में से ऑप्शन कौन से भी सिलेक्ट करके फिर हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है, यानी कि एम्प्टी करना है, इरेज करना है डेटा। उसके पहले मैंने क्वेश्चन बोला डेटा को ऑलरेडी कॉपी करके रख देना है किधर, तो अगर नहीं होगा तो। और फिर उसके बाद में देखिए इसको कनेक्ट करके मैंने ये देखा, तो ये देखिए अब ये देखिए, ये देखिए इधर ये दिखा रहा है USB स्टोरेज है, और इस पर मैंने मेरा डेटा भी कुछ दो फाइल्स जो है, ये देखिए ये दो दो वीडियो फाइल्स है, वो मैंने फ़ोन में से इसमें मैंने कॉपी करके रख दिया। तो इतना आसान है, मुझे ओवरऑल जर्नी में किधर भी मुझे लैपटॉप ट्रैवल लेके जाने की गरज नहीं है, और मैं एंड्रॉयड मतलब ये कनेक्ट करके मैं एंड्रॉयड सिस्टम को मेरे वीडियोज़ में प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर में मेरे जो होते हैं एडिटिंग के, वो सब एंड्रॉयड बेस्ड है, वो विंडोज़ बेस्ड नहीं है। और इतना बड़ा हेवी लैपटॉप इधर उधर कैरी करना, घर के बाहर कैरी करना हमेशा, ये कुछ इतना उचित नहीं है। तो ये बहुत ही एक सरल उपाय है। तो मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर हूँ, तीन चैनल है मेरे, तो मुझे तो इतना सारा डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए इतना सारा ये लगता है। लेकिन आप भी अगर कुछ इंस्टाग्राम पर हो आपका, मतलब आप बहुत सारा एक्टिव हो इंस्टाग्राम पर, बहुत सारा डेटा जनरेशन होता हो, या आपका जनरल लाइफ में भी आप बहुत सारे वीडियोज़ या फोटोग्राफी या कुछ डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे होते हो ऐसे, और आपको अगर ट्रांसफ़र ऐसे डेटा करना है एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे, तो ये मेथड जो मैंने बोली फॉर्मेटिंग की, एक्स फैट या फैट 32 या फैट 64, ये वापर के आप डेटा आराम से इसको कॉम्पेटेबल कर सकते हो आपके एंड्रॉयड सिस्टम के साथ में। तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके काम आएगा, और ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल मल्टी थीम चैनल है, बहुत सारे वीडियोस में बना दो अलग अलग टॉपिक्स पर। अब अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये है कोंकण में से बना रहा हूँ, जानवली के एक होटल में हूँ यहाँ पर मैं, और पीछे मेरे हरियाली आप देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बनाता हूँ, फूड कुकिंग का नॉलेज है मुझे, उसके भी वीडियोज़ बनाता हूँ, तो वो सब आप एन्जॉय कर सकते हैं। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।